भैया हैं, दिनेश लाल यादव भैया हैं, इन लोगों को तो आना चाहिए था। ये तो सभी लोग कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे। और यही न्यूज़ देख करके आज बड़ा चैनल दिखा रहा है। बिल्कुल आप बिल्कुल लोग बिल्कुल। कौन पहुंच रहा है यहाँ पे, कौन पहुंच रहा है? बड़का चैनल पहले पहुंच रहा था। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जितना जल्दी भैया वहाँ जाइए, इधर उधर घूमे से बढ़िया एक बार बड़का दरबार में जाए। कोई टेक्नीशियन तक नहीं गया, जो शूटिंग चल रहा था वहाँ से लोग तक नहीं गए। ये कैसा है, कैसा परिवार है भोजपुरी का? तो पूरे 24 घंटा का वीडियो जो रिकॉर्ड होता है, एक महीना रहता है कम से कम, वो कहाँ है वीडियो? दुर्भाग्य है ये कि हिंदी में कोई लोग जैसी कोई घटना होता है देखते हैं, जी बिल्कुल, सारे लोग पहुंच जाते हैं। हम यही कहेंगे योगी जी से कि आप जांच करवाइए, और हम अभी भी बोले हैं कि मम्मी से कि आप जाके योगी जी से मिलिए। रिंग फ्रिंग ये हमारे सामने जब भी शूटिंग किया ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आकांक्षा दुबे से मेरा क्या है, मेरा दो तीन वो गाना की एक फिल्म की है, लेकिन बिहार से हम चल के, और फोन भी हम बहुत पहले ही किए थे, और इंटरव्यू भी सबसे पहले कलाकार में हम ही दिए थे। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक परिवार का वो हिस्सा थी आकांक्षा दुबे। आपके साथ कम काम की हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो अपने आपको स्टार बताते हैं, सबके साथ वो काम सब के साथ काम किया। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरीके से इनके घर पर इनके परिवार को सांत्वना देने की अगर मैं बात करूं, तो कई दिनों के बाद पवन सिंह आते हैं, और पवन अगर उस घटना के पहले उनका सबसे ज़्यादा लगाव किसी तरह होगा तो वो पवन सिंह के साथ, क्योंकि पवन सिंह के साथ वो गाना आया था यारा कभी हारा नहीं। उसके बाद ऐसी कुछ घटना होती है, उस घटना के 10 दिन बाद यहाँ पर पवन सिंह आते हैं, और आप भी आज 15 दिन हो गया। इंडस्ट्री के परिवार की वो एक सदस्य थी, तो क्योंकि इंडस्ट्री पर उनकी माँ के द्वारा ऐसा सवाल किया जा रहा था उस समय, बार बार किया जा रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री की परिवार थी हमारी बिटिया, आखिर क्यों नहीं इंडस्ट्री आ रहा है हमारी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए। बहुत अच्छा सवाल किए और बहुत अच्छा बात बोली है, उनका बोलना हक भी है। सबसे बड़ा बात तो जब जलाने वक्त कोई नहीं गया, बनारस भोजपुरी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, जैसे पटना है, बनारस है, मुंबई है, वहाँ पे सब कलाकार कहाँ चले गए थे? बनारस में आधा कलाकार रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री, आधा ढेर। जबकि आप सच्चाई के साथ रहने में क्या दिक्कत है भाई, कोई लड़की अभी वो ऐसी जीवित रहती, खड़ी हो जाती कहीं पे तो 5-10 हजार का भीड़ हो जाता है वहाँ पे। अब वो मर गई, किस कारण से क्या हुआ नहीं हुआ, अब उसके साथ जलाने वक्त भी कोई लोग नहीं गया, कोई टेक्नीशियन तक नहीं गया, जो शूटिंग चल रहा था वहाँ से लोग तक नहीं गए। ये कैसा है, कैसा परिवार है भोजपुरी का, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि दिक्कत है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि एक परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा आकांक्षा दुबे इंडस्ट्री के बीच नहीं रही। और यहीं पर आपने सही कहा कि बनारस एक भोजपुरी का बहुत बड़ा अड्डा है, यहाँ पर भोजपुरी के तमाम स्टार रहते हैं, लेकिन फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए जब उनका अंतिम संस्कार चल रहा था उस समय पर भी लोग नहीं गए, ये तो भोजपुरी के लिए शर्मसार करने वाली बात है, और ये भोजपुरी की छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही है। इसे दुर्भाग्य है ये कि हिंदी में कोई लोग जैसी कोई घटना होता है देखते हैं, जी बिल्कुल, सारे लोग पहुंच जाते हैं। हम थोड़ा लेट हो गया मुझे आने में, हम अस्वस्थ थे थोड़ा, सबको पता है। सबसे पहला कॉल हम किए हैं माँ को, और मैं आने वाला था लेकिन हम नहीं आ पाए, तबीयत खराब होने के कारण, माई की तबीयत खराब रहे, बहुत सारा दिक्कत रहे कारण से ना पाऊनी, बाकी हमारा क्यों रोक ना पाई। दुख में और सच्चाई के साथ में गुंजन सिंह हमेशा खड़ा रहता है, चाहे कोई भी हो, मुझे किसी से कोई बात का डर नहीं रहता है, मैं एकदम सच्चा इंसान हूँ, जहाँ रहता हूँ दिल से रहता हूँ। और ये घटना हुआ है तो इस सभी बिहार यूपी झारखंड पूरे देश को शर्मसार किया है ये घटना, जैसा भी ये जो घटना हुआ है, और इस पर जाँच हो जल्दी से। हम यही कहेंगे योगी जी से कि आप जाँच करवाइए, और हम अभी भी बोले हैं कि मम्मी से कि आप जाके योगी जी से मिलिए। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, पूरे देश गर्व करता है उनके ऊपर, तो आप उनसे मिलिए जा करके, रवि किशन भैया से मिलिए जा करके, ताकि न्याय मिले। बिल्कुल आपने सही सवाल किया, रवि किशन तीन ऐसे भोजपुरी के स्टार हैं जो आज राजनीति में हैं, सांसद हैं, वो इस परिवार तक नहीं पहुंचे। ये कहीं ना कहीं ये भी शर्मसार करने वाली बातें होती है कि आखिर आपके परिवार का एक हिस्सा था वो आपके बीच नहीं रहा, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं से कहीं से आप लोग राजनीति कर लेते हैं इस तरीके से। एक नाम उस समय आया था अनुराधा सिंह का, वो उसी रात को मुंबई से आती है और यहाँ पर अंतिम संस्कार करके फिर बगैर इनके माँ से मिले हुए वो यहाँ से चली जाती है। अनुराधा सिंह को आप जानते हैं? नहीं, सबको नहीं जानते, लेकिन हाँ ये सुने हैं, इस घटना में सुने कि कोई लड़की आई थी जो लाश जला करके तुरंत बम्बई चली गई। अच्छा, उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते? नहीं, पहले से कुछ नहीं। ये प्रकरण 15 दिन से चल रहा है, सीसीटीवी फोटोज एक वायरल होता होटल में जो लेकर गए थे संदीप सिंह को जानते हैं आप? बस यही घटना से जानते हैं, इसी घटना से जानते हैं।
एक वीडियो वायरल हुआ संदीप सिंह का, जब होटल पर वो लेकर जा रहे थे गाड़ी से वही सोमेंद्र होटल में, और हालांकि होटल वालों ने भी आरोप लगाया कि वो लड़खड़ाती हुई आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा कि वो लड़खड़ाती हुई, वीडियो में ही नहीं दिखा है बिल्कुल कि कोई लड़खड़ा के आ रहा है, झूठे बोल देने से थोड़ी हो जाएगा। ड्रिंक वगैरह नहीं करती थी वो? ड्रिंक ये हमारे सामने जब भी शूटिंग की ऐसा कुछ नहीं की है, और कौन अपना लाइफ में क्या नहीं करता है, अगर करता भी होगा करती भी होगी तो क्या रोजे आदमी पी के गिरिए रहा। लेकिन उस वीडियो में कहीं नहीं लगा, नहीं उसमें कुछ ऐसा नहीं है, और वीडियो देखने के बाद लगता है कि लड़की कहीं से आई है, आराम से जा रही, नहीं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया कि पीएम रिपोर्ट में हमने उनके एडवोकेट से भी बात की, दो बार बात हम कर चुके, पीएम रिपोर्ट में ये दिखाया गया है और साफ तौर पे दिखाया गया उनके पास तस्वीर थी, जिस तरीके से अक्षय दुबे बेड पर बैठी है, गले में एक फंदा लटकाया गया है, और बेडशीट जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित, अगर किसी की जान जाएगी तो वो छटपटाएगा जरूर, बेडशीट उस स्थिति में रहेगी नहीं, और बैठ कर किसी की तो जान जा नहीं सकती, इसलिए इन तमाम चीजों से, क्योंकि उनके एडवोकेट जो है वो भी यही कह रहे हैं कि तमाम सारे ऐसे साक्ष्य हैं जिन साक्ष्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये सुसाइड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 15 दिन से प्रकरण चल रहा है, आप लगातार आपकी नज़र होगी इस प्रकरण पर, हमेशा ये YouTube पे यही आ ही रहा है, और पूरे देश के लोग जो भी जानते हैं भोजपुरी से जुड़े हैं, जो नहीं जानते वो भी अब लोग देख रहे हैं इसको, और ये बड़ा मुद्दा हो गया है, ये इसकी जाँच हो, और होटल की CCTV कैमरा जो है उतना घंटा का CCTV कैमरा कौन देखा, ये कह रहे हैं देखवे नहीं किए, उनके मम्मी देखवे नहीं कि पुलिस प्रशासन देखा कि नहीं, तो इसका जांच हो कि उतना घंटा में आया कौन, गया कौन, आखिर आया तो कह रहा है कि कोई आया तो 17 मिनट लाइट बंद था, तो क्यों बंद था लाइट, पूरा सीसीटीवी नहीं मिला, बिल्कुल अगर जाते वक्त सीसीटीवी फोटो वीडियो वायरल हो रहा तो आते वक्त क्यों नहीं निकला, मैंने उनसे मैनेजर से बात किया कि भैया कहां आई वो फोटो है, एक वीडियो आपने वायरल कर दिया और एक वीडियो आप कह रहे हैं कि निकलते वक्त उसका वीडियो नहीं है, नहीं आप कह रहे हैं प्रशासन को सौंपे हैं, प्रशासन ये कह रहा है कि नहीं हमने कोई वीडियो वायरल नहीं किया, तो वो पहला वीडियो कहां से वायरल हुआ, ये भी तो सवाल है, क्योंकि इनकी आरोप लगा रहे हैं कि मैनेजर भी मिला हुआ है, जो होटल का मैनेजर है उसमें वो भी कुछ ना कुछ खेल खेल रहा है, कोई भी कह सकता है, संदेह का विषय ही है यहाँ पे, जब वो वीडियो रह सकता है कि लड़की आती है गाड़ी से उतर के वहां तक छत तक जाती है, तो पूरे 24 घंटा का वीडियो जो रिकॉर्ड होता है एक महीना रहता है कम से कम, वो कहाँ है वीडियो, उस वीडियो को दिखाया जाए, पब्लिक भी देखेगी और प्रशासन भी देखेगी, तो इसकी जांच प्रशासन करेगी, ये हम लोग का काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है कि उस वीडियो को निकाल के देखे कौन आया कौन गया, कितना दिन कौन रहा है, कितना देर कौन रहा है नहीं रहा है, अब योगी जी के पास जाएंगे तो अपने मामला खुलेगा सारा, मोबाइल का लॉक खोला जाए आकांक्षा दुबे का, क्या है कॉल हिस्ट्री, क्या है नहीं है, किससे कितना दिन क्या बात की है, सब निकलेगा उससे। बिल्कुल, भोजपुरी की एक बड़ी एक्ट्रेस है अक्षरा सिंह, वो यहाँ पर आई थी और तमाम ऐसे मीडिया के भाई लोग थे, उन्होंने एक भी बात नहीं की लोगों से, उन्होंने कहा कि आप लोग TRP के लिए आए हैं, और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये TRP की जो बात करते हैं लोग ना, और यही छोटे छोटे चैनल हैं जो लोगों की समस्याओं को ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाते हैं, कोई बड़ा चैनल नहीं आता दिखाने, इसलिए अगर TRP की वो बात कर रही थी, हालांकि मैं नहीं था उस समय, नहीं तो मैं उनको जवाब देता कि आप किस लिए आई हैं, और अगर आप आई हैं तो आप थाने पर गई या फिर SP के पास गई, SCP के पास गई, किसके पास गई आकांक्षा दुबे के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, बात राकेश ये उनके सामने रखना चाहिए था। जी हाँ, राकेश मिश्रा भी कुछ कह रहे थे इस तरीके से, जब लोगों ने बातचीत किया कि आप लोग TRP के लिए भैया बता दें हम ही लोग हैं यहां पे जितने क्रिएटर हैं सभी क्रिएटर ही यहां का, उसके बाद तब जाकर बड़े चैनलों ने इसको दिखाना शुरू किया, नहीं तो कोई नहीं दिखा रहा था, इस मामले को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था। बात सही, सौ बात का एक ही बात है, सब आप लोग इतने लोग करने वाले हैं, न्यूज वाले हैं, यही न्यूज एक बड़ा न्यूज बन जाता है जी। और यही न्यूज देख करके आज बड़ा चैनल दिखा रहा है जी। बिल्कुल, आप लोग कौन पहुंच रहा है यहाँ पे, कौन पहुंच रहा है, बड़का चैनल पहले पहुंच रहा था नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, छोटा लोग चलाया, ऐसे ही सीन वायरल होता है, एगो फेसबुक पर कोई पोस्ट डालता है, कोई 10 गो 100 गो 1,000,00,000 crore में चला जाता है, तो हम तो ये नहीं मानते, हम तो सभी को मानते हैं भाई, हर छोटे लोग भी बहुत काम के होते हैं, और इन्हीं छोटे लोगों के बदौलत लोग देख पा रहा है, और लोग हर जगह देख पा रहा है कि ये घटना हुआ है। आज कोई मनीष कश्यप बन गया, कोई कुछ बन गया, एक दिन वो भी बेचारा छोटे से मोबाइल लेके घूमत रहे, आज कैसे बन गया, ऐसे में आप लोग भी बन सकते हैं, आप लोग भी बन जाइएगा। इस परिस्थिति में आप परिवार के साथ किस तरह से हैं? हर तरह से हैं साथ में, हम इस दुख की घड़ी में जिस प्रकार से हमने कहा कि हम आपके बेटे हैं और बेटा का फर्ज अदा करेंगे, चाहे आपके बेटा हो, जो दो बेटा है उसके नौकरी का बात हो, जहाँ तक मेरे से संभव होगा आर्थिक स्थिति से लेकर के हर चीज़ में हम मदद करेंगे। आप कभी भी फ़ोन घुमाइए, गुंजन सिंह खड़ा रहेगा,
और ये भैया से भी मिले, चाचा से, सभी लोग हमारे साथ में, हम लोग का बातचीत हो रहा है और हम लोग हमेशा आजीवन खड़ा रहेंगे। नहीं कि आज बोल दिए मैकवा पे, ये बात नहीं है। मैं पहला बार कॉल किया था, वो लगता है एक दिन बाद ही कॉल किए थे जैसे घटना हुआ था। और बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का कि ये यूपी में इतने कलाकार रहते हैं और कोई वहाँ नहीं पहुँचे, ये मुझे बहुत दुख हुआ। इतने टेक्नीशियन बिल्कुल आपके आपके बिहार से ही सुशांत सिंह राजपूत थे, उस घटना के बारे में सारे लोग परिचित हैं। उस मामले को कहाँ गायब कर दिया गया अभी तक कोई पता नहीं चला। इस मामले पर लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं कि कहीं ऐसा भी यहाँ ना हो जाए, इस मामले को धीरे धीरे दबा दिया जाए, कोई खुलासा नहीं, कोई आरोपी ना हो इसमें। देखिए, इसमें जो भी आरोपी होगा उसको सजा तो मिलना तय है और योगी जी ही इसमें कुछ करेंगे भैया। जब सबका बेड़ा पार योगी जी लगाए हैं यूपी में, तो योगी जी जरूर इसका न्याय दिलाएंगे। ऑप्शन वही बच रहा है। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप जितना जल्दी भैया वहाँ जाइए, इधर उधर घूमे से बढ़िया एक बार बड़का दरबार में जाए, सारा काम हो जाएगा वहीं से। रवि किशन भैया और योगी जी वहाँ ही हैं, आप जाइए वहाँ पे न्याय मिलेगा। अच्छा, सभी लोग आ चुके हैं, जितने भी सुपरस्टार थे सब लोग आ चुके हैं भोजपुरी परिवार के। कहा जाता है भोजपुरी एक परिवार है, तो अभी तक यहाँ पे हुआ कि खेसारी लाल जी का इंतजार हो रहा है, क्या आपको लगता है वो आएंगे यहाँ पे? अब तो वो जाने भैया कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं, जैसे होता है ना कि कहते हैं कि भोजपुरी एक परिवार है, तो परिवार के सभी सदस्य को आना चाहिए। परिवार के हिसाब से तो आना चाहिए, आ जाना चाहिए चाहे कोई भी कलाकार हो। क्योंकि जब होता है कोई भी भोजपुरी में कोई सेलिब्रेशन अच्छा होता है तो वहाँ सब लोग पहुँचते हैं। तीन तीन सांसद भोजपुरी के हैं, वो लोग नहीं आए भैया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांसद दो तो यूपी से ही है, दो यूपी से है, दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से, रवि किशन गोरखपुर से। मनोज तिवारी भैया तो माना तो नहीं कि दिल्ली में बैठे, ठीक बा, लेकिन रवि किशन भैया है, दिनेश लाल यादव भैया है, इन लोगों को तो आना चाहिए था। ये तो सभी लोग कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे, सभी जनता जनार्दन कह रहा है। और मैं फ़ोन करके भैया से कहूँगा अभी कि भैया आप तो चले जाते और जाके इसका जांच करवाइए, आप तो इतने करीबी हैं योगी जी के। बिल्कुल बिल्कुल, ये सौभाग्य होगा कि आप अगर उनसे बात कर लेंगे विषय पर और उनको आप यहाँ इनके परिवार के बीच लाएंगे और आकांक्षा दुबे के फिलहाल परिवार को न्याय दिलाएंगे।